चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो एवरीबॉडी, केएलपीआई टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सरकार ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है आरोग्य सेतु। कोविड-19 से बचने के लिए और उसके बचाव के लिए सरकार ने एक ऐप लॉन्च की है। आज मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और इस ऐप को कैसे यूज करना है, इसके क्या क्या बेनिफिट है। अगर आपको सभी डिटेल जाननी है तो वीडियो को आखिर तक देखें और वीडियो को बीच में कट न करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपको एक बात बता दूं कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और कोविड-19 से लड़ सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इस एप्लीकेशन की वजह से आपको पता चल जाएगा कि आपके नज़दीक कोरोना वायरस का पेशेंट है कि नहीं। यह एप्लीकेशन आपकी लोकेशन ट्रैक करेगा और ब्लूटूथ कनेक्ट करेगा और आप कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से कितना दूर है यह आपको सभी डिटेल दे देगा। यह एप्लीकेशन गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है। यह एप्लीकेशन एकदम सुरक्षित है और इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम सबसे पहले प्ले स्टोर में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर मेरी अभी एप्लीकेशन डाउनलोड है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद यह आपकी भाषा पूछेगा, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, तो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस एप्लीकेशन में आगे बढ़े तो सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। उसके बाद यह आपके मोबाइल नंबर पूछेगा और यह OTP जनरेट करना होगा, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यह आपका अपना नाम, एज और डिजिट के बारे में पूछेगा, तो वहाँ पर हमें सही सही बताना है। आपको मैं बताता हूँ टेस्ट करके। सबसे पहले आपको अपना जेंडर पूछेगा, उसके बाद अपनी एज, आगे अपनी कोई बीमारी है कि नहीं, उनके हिसाब से ऑप्शन सही सही देना है। आप 14 दिनों में बाहर गए हैं कि नहीं, लास्ट में ओके ऑप्शन दबाना है। और यहाँ पर आने के बाद हम नीचे की तरफ चलते हैं। पीएम केयर्स में दी गई डिटेल देखकर आप देश की सहायता कर सकते हैं और अपना भी योगदान दे सकते हैं, जो कि अकाउंट, IFSC कोड एंड UPI के द्वारा आप किसी भी वॉलेट एप्लीकेशन में पेमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, कैसी लगी मेरी वीडियो और इस एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, जिसमें कि मैं आपकी सहायता कर सकूँ।